नागपुर जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहाँ आरएसएस का मुख्यालय भी है और सरकार के कई कद्दावर नेता भी यहीं से आते हैं। अब उसी नागपुर में बड़ा खेला हो गया है, या कहे कि बीजेपी को यहाँ तगड़ा झटका लगा है। नहीं समझे, चलिए हम आपको समझा देते। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पंचायत समिति के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के पदों पर चुनाव हुए, जिसके नतीजों ने बीजेपी को करारा झटका दिया है। नागपुर में हुए पंचायत समिति के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ज्यादातर सीटों पर जीत हासिल की है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी पंचायत समिति के अध्यक्ष का एक भी पद नहीं जीती और इन चुनावों में उपाध्यक्ष की केवल 3 सीटें ही बीजेपी यहां हासिल करने में सफल रही है। अब ये भी समझ लेते हैं कि बीजेपी के लिए ये इतनी बड़ी हार क्यों है। दरअसल राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये गृह क्षेत्र है, वहीं बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष भी नागपुर से ही आते हैं। नतीजों की अगर बात करें तो कांग्रेस ने 13 में से 9 प्रमुख पद अपने नाम किए हैं, वहीं 8 उप प्रमुख पद पर भी पार्टी ने अपना परचम लहराया है। बीजेपी की इस हार पर कांग्रेस नेता का कहना है, जीत और हार तो होती रहती है, लेकिन जिस तरह से वो हारे हैं उससे पता चलता है कि जिले में भाजपा कैडर की कोई पकड़ नहीं है। बताते चले कि रविवार को सरपंच और ग्राम पंचायत के सदस्यों के पदों के लिए भी यहां चुनाव हुए, जिसका सोमवार को नतीजे घोषित किए गए थे। बीजेपी की इस हार पर या कांग्रेस की इस जीत पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरह की छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।